Assalamu alaikum. Today we will study reflection of the sound and speed of sound. So, इसमें हम पहले define करेंगे reflection of sound को. उसके बाद हम इसको examples इसकी discuss करेंगे. Then activity 11.3 की help से हम देखेंगे कि reflection of sound जो है वो कैसे produce हो जाती है. Then we will discuss speed of sound. और इसमें जो points हैं वो हम देखेंगे it requires a medium. Then its physical condition formula to measure the speed of sound. And measurement method of the sound by echo जो है वो हम देखेंगे कि क्या method है आप किस तरह से speed of sound जो है वो calculate कर सकते हैं. तो सबसे पहले जो है वो हम discuss करेंगे reflection of the sound. Reflection की basic definition हमें पता है कि it means bouncing back. तो अगर हम बात करें reflection of sound, इसका मतलब है कि sound भी bounce back हो सकती है, वापस आ सकती है किसी भी surface से. इसकी सिंपल सी एग्जांपल है हमारे पास. अगर हम क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं किसी खाली जगह के ऊपर, या बहुत जोर से हम ऊंची आवाज में बोलते हैं जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के सामने या माउंटेन्स में, वैलीज में जहाँ वादियां होती हैं, इर्द-गिर्द हमारे पहाड़ों, वहाँ हम ऊंची आवाज में बोलते हैं तो वापस जो है हमें अपनी आवाज सुनाई देती है. तो वो इस वजह से होती है कि आपकी आवाज ने आगे ट्रेवल नहीं किया होता, बल्कि वो सरफेस के ऊपर से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस उस मीडियम में आ जाती है जहाँ से वो गई होती है. मींस एयर मीडियम में वापस आ जाती है अपने हर्डल से टकरा कर. तो आपने इस वजह से हम यहाँ पर इसे डिफाइन करते हैं कि व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम. सपोज अगर माउंटेन्स हैं, वैली के अंदर इस तरह हम फील करते हैं, तो वहाँ हमारा सर्फेस ऑफ द मीडियम इंसिडेंट जिस पे वो होगी इट इज माउंटेन्स. तो वहां से वो रिफ्लेक्ट बैक होगी दोबारा फर्स्ट मीडियम, दैट इज एयर, जिसमें हमने बोला था उसने ट्रेवल किया था. So when the sound is incident on the surface of the medium and bounces back into the first medium, so it is the reflection of sound. और इस phenomena को हम echo बोलते हैं. Echo और reflection of sound. जब sound वापस सुनाई दे तो हम कहते हैं echo produce हो रही है. तो इसमें आपके पास जो duration होता है वो 0.1 second must होता है, क्योंकि हमारा brain जो है उसमें ये आवाज़ जो भी हमने बोला था वो 0.1 second तक बरकरार रहती है. अगर वो उससे पहले वापस आ जाए तो वो उसे एज अ echo डिटेक्ट नहीं कर पाएगा हमारा ब्रेन जो है. तो 0.1 second के बाद जब रिफ्लेक्शन होती है तो वो हमें क्लियर इको की फॉर्म में सुनाई देता है. सो टू हियर अ क्लियर इको टाइम इंटरवल बिटवीन साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड जो है इट मस्ट बी 0.1 second. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्पीड ऑफ साउंड, हमें पता है कि इसका कैलकुलेटेड वैल्यू है इसकी साउंड की 340 meter per second. तो अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे अगर 340 meter per second इज द स्पीड ऑफ द साउंड है तो इट विल वी कैन हियर आवर साउंड आफ्टर 0.1 second. जस्ट इसके से पहले रिफ्लेक्ट होगा तो हमें सुनाई नहीं देगा. सो टोटल डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कि कितना आपकी जो है वो कवर करेगी, इको आने में कितना डिस्टेंस जो है वो आपका कवर होगा. तो 340 को अगर हम मल्टीप्लाई करें स्पीड ऑफ साउंड को विद 0.1 second, परसिस्टेंस टाइम जो है ब्रेन में आवाज का जो हम बोल रहे थे उसका, उसे मल्टीप्लाई करेंगे विद द स्पीड ऑफ साउंड, तो सेकंड विल बी कैंसल्ड आउट विद सेकंड एंड वी विल हैव अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड फॉर या रिक्वायर्ड आप कह सकते हो बाय द साउंड फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द रिफ्लेक्शन पॉइंट टू बैक. एटलीस्ट यहाँ पे कितना डिस्टेंस होना चाहिए ये हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये हमारा 34 meters आता है. बिकॉज 0.1 जो है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 340 से तो इट विल बी 34 meters. तो टोटल आपके पास जो डिस्टेंस है वो कवर्ड डिस्टेंस बाय द साउंड फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द आपके पास जो है सर्किल जहाँ उसने जाना है और वहां से रिफ्लेक्ट बैक होने में उसे जो डिस्टेंस हो सकता है वो 34 meters है. लेकिन मिनिमम रिक्वायर्ड डिस्टेंस यानी कि आपको साउंड इको अगर सुनाई दे मस्ट दे उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड डिस्टेंस होता है वो हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस होता है, दैट इज 17 meters. मीन्स आपको किसी भी साउंड का रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करवाने के लिए एटलीस्ट 17 meters डिस्टेंस आपका होना चाहिए. जैसे हमारे पास अगर हम खाली घर में जहाँ पे सामान नहीं है, कारपेट्स नहीं है, कर्टन्स नहीं है लगे हुए, वहां पर जब हम बोलते हैं देखो खाली घर में, तो आपको काफी ज्यादा ऊंची आवाज जो है वापस अपनी ही सुनाई देती है. उसका रीजन ये होता है कि वहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो साउंड को एब्जॉर्ब करे, तो वो डायरेक्ट हमारी वॉइस वॉल्स को जाकर टच करती है और वॉल से रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे तक आती है. लेकिन अगर यही आपके पास वहां पे चीजें मौजूद हों तो आपके जो हाउसेज हैं वहां पर इको प्रोड्यूस नहीं होती. उसका रीजन ये होता है कि उससे पहले ही वो एब्जॉर्ब हो जाती है 0.1 second ड्यूरेशन के अंत से पहले. सो दैट्स व्हाई इकोस जो है अगर आपको सम टाइम इकोस आपको एक की बजाय एक ही साउंड आपको 2-3 times भी सुनाई दे सकती है, तो इसका मतलब है कि आपकी सिंगल साउंड जो है उसने मल्टीपल रिफ्लेक्शन किया है, स्पेशली इन वैलीज जहाँ पे वादियां हैं जहाँ चारों साइड पे माउंटेन्स हों, अगर वहां जाके आप बोलें तो आप वहां पे आप मल्टीपल रिफ्लेक्शन को फील कर सकते हैं.
नेक्स्ट हम यहाँ पे एक एक्टिविटी की हेल्प से देखेंगे कि आपके पास इको जो है वो क्या चीज है, किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है साउंड. तो यहाँ पर अरेंजमेंट एक लेंगे हम. लेट्स सपोज वी हैव अ टेबल और उस टेबल को हम एक वॉल के, ये जो बैक पे ब्लू आपको नजर आ रहा है, लेट्स सपोज दिस इज अ वॉल और आपने वॉल के साथ ये टेबल जो है आगे प्लेस किया है. तो ये आपका जो टेबल है इसके आगे आपने जो रखा है इसके ऊपर अरेंजमेंट करेंगे. दो हम एंड टू एंड पाइप्स रखेंगे, पाइप्स के दोनों एंड से ये दो पाइप रखेंगे इस तरह से, इस डायरेक्शन में दोनों पाइप दोनों एंड से ओपन है. और लेट सपोज इस पाइप का जो ये वाला एंड है जिसमें मैं पॉइंट कर रही हूँ, इसके आगे कोई स्क्रीन पे पेपर है जिसके ऊपर साउंड आके स्ट्राइक करेगी, हिट करेगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी आगे जाने की बजाय. तो हम यहाँ पर ये अरेंजमेंट इस तरह से करेंगे और इस पाइप के ऊपर लेफ्ट साइड पे जो पाइप है इसके सामने क्लॉक रख देंगे. और क्लॉक की एक पर्सनल आपको पता है वॉइस होती है जो वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करता है. तो आप बिल्कुल इसके इस हैंड पे ये क्लॉक रखेंगे, यहाँ से ये साउंड ट्रेवल करेगी और यहाँ से इस स्क्रीन से रिफ्लेक्ट बैक होकर हमने इस तरह अरेंज करना है कि वो इधर सीधा इस पाइप के अंदर आए जो राइट साइड पे है. और इसके इस एंड पे हम अपना कान लगाकर इस आवाज को सुनेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर. तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जब हम इसे इधर से सुनने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हमें स्टार्ट में जो है वो लाइटर जो है वॉइस हमें सुनाई दे. साथ में यहाँ पे ये भी हम कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो आपने यहाँ पर जो फर्स्ट पाइप है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है स्क्रीन के साथ और यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है, बाउंसिंग बैक ऑफ द साउंड हो रही है इस पाइप के अंदर. तो हम यहाँ से वर्टिकली लिफ्ट अप करेंगे जहाँ से हम सुन रहे हैं अपनी पाइप को स्लाइटली अपवर्ड, और इसको हम हल्का सा मूव करके एडजस्ट करते रहेंगे. तो राइट साइड जो ईयर के पास आपके पास जो पाइप है उसे हम एडजस्ट करेंगे और इस तरह एडजस्ट करेंगे कि कुछ देर के बाद हम फील करेंगे कि हमें लाउडेस्ट साउंड जो पहले से ज्यादा ऊंची आवाज हमें क्लॉक की सुनाई देगी अपने ईयर में. उसका रीजन क्या होगा कि आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन वो आपने इस तरह से एडजस्ट कर दिया पाइप को मूव करके कि दे बिकम्स इक्वल टू ईच अदर. तो आपके पास जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे यू विल हियर अ लाउडेस्ट साउंड. तो इस तरह से इको जो है वो आपकी प्रोड्यूस होती है. इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड को. तो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला तो वही बेसिक हम यूज करते हैं जो हम वेव के लिए प्रीवियस अपने यूनिट और लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, दैट वी इक्वल टू एफ लैम्डा. बट यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन हम डिस्कस करेंगे कि साउंड को क्या क्या चीजें इफेक्ट कर सकती है उसकी ट्रेवलिंग उसकी स्पीड को. तो साउंड की जो स्पीड है एक तो उसके लिए मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है. आपका मीडियम जो है वो डिपेंड करता है कि साउंड की स्पीड कैसी होगी आपकी. फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है उसमें स्पीड ऑफ साउंड उसमें ग्रेटर होती है उस मीडियम में जहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हो फॉर द वाइब्रेशन. इसकी एग्जाम्पल हमारे पास थ्री नेचर के मीडियम होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस. तो इट्स मीन के बेस्ट जो आपके पास मूवमेंट ऑफ द साउंड होगी ट्रेवल करेगी जो साउंड आपकी वो इन सॉलिड करेगी. यहाँ पे लिखा भी है ये आपके पास के इन द लिक्विड जो है वो स्पीड ग्रेटर देन 5 टाइम्स देन इन गैसेस है और 15 टाइम ग्रेटर इन सॉलिड है स्पीड ऑफ साउंड एज कम्पेयर टू गैसेस. उसका रीजन ये है कि हमारे पास जो आपके पास होते हैं सॉलिड्स, सॉलिड में क्या होता है कि जो पार्टिकल टू पार्टिकल बिल्कुल साथ साथ एक दूसरे के ज्वाइन होते हैं हमारे पार्टिकल, उनमें फौरन एक सेंसेशन या वाइब्रेशन फर्स्ट पार्टिकल को जो आती है वो नेक्स्ट में, फिर वो नेक्स्ट में ट्रांसफर हो जाती है. बट इन केस ऑफ आपके पास क्या होता है कि आपके पास जब लिक्विड्स हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से थोड़ा अवे होते हैं तो उसमें थोड़ी स्पीड डाउन हो जाती है कि फौरन एक पार्टिकल से फौरन से दूसरे में नहीं जाता क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है. तो गैसेज में और भी प्रॉब्लम होता है कि गैसेज के मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट होते हैं इसलिए उनकी स्पीड में और ज्यादा फर्क पड़ता है. सो साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम एंड जिस मीडियम के पार्टिकल्स ज्यादा से ज्यादा होंगे वाइब्रेशन के लिए उसमें साउंड ज्यादा बेटर ट्रेवल करेगी. और फिजिकल कंडीशंस के ऊपर भी स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है, दैट आर टेम्परेचर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी. और इस तरह स्पीड ऑफ साउंड जो है एयर के लिए उसकी वैल्यू थोड़ी डिफरेंट है. इट इज 343 मीटर पर सेकेंड फॉर 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड. तो अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm जो है वो अगर आपका प्रेशर है और 21 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर है तो आपकी जो साउंड की स्पीड होगी इट इज 343 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला रिलेशनशिप मैंने पहले भी आपको बताया कि वही फॉर्मूला जो वेव्स के लिए हम यूज करते हैं v इक्वल टू f लैम्डा यूज करेंगे. सो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द साउंड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आपकी साउंड होगी उतनी ही स्पीड उसकी ग्रेटर होगी. अब लास्ट में हम विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी मेजर करेंगे कि आपके पास स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है.
स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर इको मेथड हम यूज करेंगे. एक मियरिंग टेप लेंगे, स्टॉपवॉच लेंगे और एक फ्लैट वॉल दीवार लेंगे टू प्रोड्यूस अ गुड इको. तो आपने जस्ट क्या करना है कि आपने मियरिंग टेप की हेल्प से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे ये पॉइंट करेंगे एक दीवार है, यहाँ से आपने 50 मीटर का डिस्टेंस मियर करना है और इस वॉल से 50 मीटर पे चले जाना है. और 50 मीटर के डिस्टेंस पर जाकर आपने जो है वो वहां पे खड़े होकर क्लैप करना है, ताली बजानी है और उसकी इको को देखना है. तो आपके पास 50 मीटर के डिस्टेंस से आप जब बोलेंगे या क्लैप करेंगे तो आपकी 50 मीटर पे वॉल थी, तो 50 मीटर डिस्टेंस कवर करके आपकी साउंड वॉल पे जाएगी और वॉल से वो रिफ्लेक्ट बैक होकर दोबारा आप तक आएगी. तो 50+50 टोटल 100 मीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी साउंड. तो दूसरी यहाँ पे बात एक आपके पास ये होगी कि आपका जो डिस्टेंस 100 मीटर तो है आपका, तो टाइम डिफरेंस हमें देखना है बिटवीन द क्लैपिंग एंड इको. यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम कंटिन्यूस जो है वो क्लैपिंग स्टार्ट कर देंगे और साथ ही स्टॉपवॉच भी ऑन कर देंगे. तो 10 दफा आप क्लैप करेंगे, ताली बजाएंगे और उसके लिए स्टॉपवॉच पे टाइम नोट डाउन करेंगे. आफ्टर 10 क्लैप आप जो है वो अपनी क्लैप भी स्टॉप कर देंगे और स्टॉपवॉच को भी, और टाइम देखेंगे कि ओवरऑल एवरेज कितना टाइम लगा आपको उन 10 क्लैप की वापस इको सुनने के लिए. तो आपके पास जो टाइम आएगा उन 10 क्लैप्स के लिए, आपने हर एक क्लैप के लिए इको का टाइम नोट किया और उसका एवरेज टाइम जो आपके पास टोटल टाइम आएगा फॉर 10 क्लैप्स दैट टाइम इंटरवल, वो यहाँ पे इस फॉर्मूला डिस्टेंस कैसे इक्वल टू वी के फॉर्मूला में, डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है कि 100 मीटर कवर कर रही है हमारी इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, वो हम यहाँ पुट करेंगे और टाइम यहाँ पुट करेंगे. तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द स्पीड एट 100 मीटर ऑफ द साउंड, कि हमारी साउंड को वहां तक इको प्रोड्यूस करने में, हमारे तक पहुंचने में कितना टाइम लगा. सॉरी, टाइम तो हमने कैलकुलेट कर लिया स्टॉपवॉच से, उसकी स्पीड कितनी है ये हम विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू वी फाइंड कर सकेंगे. जैसे आपको बताया कि 100 मीटर डिस्टेंस पर था और जितना टाइम क्लैप के लिए टाइम एवरेज आपकी स्टॉपवॉच पे आया इको के लिए वो पुट करेंगे. So, V equal to S over T करकर आप यहाँ से स्पीड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फैक्टर जो इको को इफेक्ट करते हैं वो यहाँ पे मैंने लिखी है, इट इज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, दोनों इफेक्ट कर सकते हैं एक्यूरेसी ऑफ दिस मेथड को. यहाँ का टेम्परेचर या आपकी ये जो हम मेथड कर रहे हैं, यहाँ पे अगर टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी मौजूद है, उसके टेम्परेचर कम है या ज्यादा, उस लिहाज से डिफरेंट लोगों के सेम कंडीशन में डिफरेंट स्पीड ऑफ साउंड के रिजल्ट आ सकते हैं बिकॉज इको इफेक्ट होती है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के साथ. ये आज का हमारा लेक्चर था. आई होप आप सबको अच्छी तरीके से समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.